गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गोविंद सर। जैसा कि हम जो है आज क्लास 3 के स्टूडेंट्स को चैप्टर 2 थॉमस अल्वा एडिशन के बारे में पिछली वीडियो में हमने बताया था, दो पैराग्राफ पढ़ाया था, आज तीसरा पैराग्राफ है। इसकी मीनिंग हमने लिख दिया है, आप इसको देख लेंगे और मीनिंग के साथ साथ आप एक एक वर्ड को समझते जाएंगे। आइए देखते हैं। व्हेन ही वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स हुआ, वाज मीन्स था, 12 ईयर्स ओल्ड, जब वह 12 वर्ष का था, कौन, थॉमस अल्वा एडिसन, He got his first job. उसे पहली नौकरी मिली थी जब वो 12 वर्ष का था, तभी उसको पहली नौकरी मिली थी। He became a news boy on train, on a train that ran between Port Huron and Detroit. वह Port Huron और Detroit के बीच चलने वाली ट्रेनों में एक समाचार पत्र बन गया था। He set up a laboratory in a luggage car of the train so that he could continue his experiments in his spare time. उन्होंने ट्रेन की एक समान कार में एक प्रयोगशाला स्थापित किया ताकि वह अपना खाली समय, स्पेयर टाइम, अपने प्रयोगों में बिता सके। एक्सपेरिमेंट्स होता है प्रयोग। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, एडिसन फर्स्ट जॉब डिड नॉट एंड वेल, दुर्भाग्य से एडिसन की पहली नौकरी अच्छी तरह से समाप्त नहीं हुई। ही वॉज फायर्ड, तब वह क्या किया, उसे निकाल दिया गया जब, तब उसने अपनी गलती से, ही वॉज फायर्ड व्हेन ही एक्सीडेंटली सेट फायर टू द फ्लोर ऑफ द लगेज कार, अपनी गलती से सामान कार के फर्श में आग लगा दी। एक्सीडेंट, फायर्ड व्हेन ही एक्सीडेंटली सेट फायर फ्लोर ऑफ द लगेज कार, सामान कार में के फर्श में आग लगा दी। एडिसन देन वर्क फॉर 5 years एज ए टेलीग्राफ ऑपरेटर। उसके बाद एडिसन ने टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में 5 साल तक काम किया, वर्क काम किया, बट ही कंटिन्यूड टू स्पेंड मच ऑफ हिज टाइम, उसने अपना समय प्रयोगों के संचालन में लगाया, ऑन द जॉब कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। ही गॉट हिज फर्स्ट पेटेंट इन 1868, उसने अपना पहला पेटेंट 1868 में प्राप्त किया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आज हम आप लोगों को ये पैराग्राफ पढ़ा दिए हैं, इसकी मीनिंग आप लिख लेंगे अपने नोट्स में, अगले दिन अगली वीडियो पढ़ाई जाएगी।